बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्रे कॉलम से रॉ में करना है, वर्टिकल यानी कॉलम डाटा को वर्टिकल डाटा के अंदर कन्वर्ट करना है फार्मूला से, और एम्प्लॉय का सेल स्टेटस ट्रैक करना है, जो जो यानी एम्प्लॉयज हैं हमारे उनकी हमने रॉ के अंदर एंट्री करी नाम की, और फिर उनका डाटा जो कॉलम में हमने एंट्री करी हुई है तो उनके नाम के साथ उनके नीचे जब हम ट्रैक करें फार्मूला लगा के, तो उन कॉलम्स के अंदर से जहाँ जहाँ जो एम्प्लॉय के नाम है उनके साथ की जो सेल है या जो प्रोडक्ट्स है वो उनके साथ नीचे उनके नाम के नीचे सारी लिखी हुई ट्रैक होगा राजा स्ट्रैक से। तो ये किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट लाइक कर दें, जो देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब ये एम्प्लॉय नेम है और ये इनकी सेल्स है, ये आपकी प्रोडक्ट्स भी हो सकती है, कौन सी प्रोडक्ट्स है तो वो आप प्रोडक्ट्स के नाम लिख लें, और जो यूनिक प्रोडक्ट्स होंगी वो आप यहाँ पे लिख लें, और फिर किस प्रोडक्ट्स की क्या सेल रही है वो आप यहाँ पे स्ट्रैक करके ला सकते हैं आज का जो मैं फार्मूला बताऊंगा उसकी मदद से। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इफ फंक्शन को यूज करते हैं, और यहाँ मैं फार्मूला मर्ज करके एक साथ नहीं अप्लाई कर रहा, अलग अलग समझाऊंगा, फिर उसके बाद पहले एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद उसको मर्ज करके फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो सबसे पहले इफ कंडीशन को हम यूज करेंगे, और इफ कंडीशन में हमने इस हेडिंग को सिलेक्ट करा नाम वाली और F4 कर दिया। इसके बाद हमने कहा अगर इसके बराबर है इस कॉलम में, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरी रॉ एंटायर जो है डेटा सिलेक्ट करेंगे कॉमा, तो रॉ फंक्शन चलाएं यहाँ पे, और रॉ फंक्शन चलाने के साथ यहाँ पे जो सेल्स आ रही है ऑल इसको सिलेक्ट करा हमने, ब्रैकेट किया क्लोज, ठीक है जी। ये वैल्यू इफ ट्रू हो गई लॉजिकल टेक्स्ट की जगह पर रॉ फंक्शन, और रॉ फंक्शन को हमने करा -1 क्योंकि ऊपर वाली रॉ जो है अगर हम यहीं से रॉ को नंबर शुरू करेंगे तो 2 है, तो हमें ऊपर -1 लगाना है, यानी हमें 2 से चाहिए, तो हमने सिलेक्शन ये बनाई है, तो रॉ नंबर यहीं से आएगा, तो हमने -1 करा तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा, ये हो गया, और फिर कॉमा यहाँ पर हमने कर दिया ब्लैंक। अब ये नाम इसको इस लिस्ट में जहाँ मिलेगा ये उधर 1 1 1 लिखा हुआ देगा। अब जैसे यहाँ आ गया ये 1, और फिर हमने इसको नीचे ट्रैक करा, अब जहाँ दूसरी अवकाश होगी वहाँ पे 1, और फिर यहाँ तीसरा अवकाश होगा वहाँ पे फिर 1। अब इसको हमें ये 1 1 1 आ रहा है, इसकी ब्लैंक की जो जगह आ रही है इसको ख़त्म करना है, ब्लैंक को ख़त्म करने के लिए चाह रहा हूँ ये एक साथ स्ट्रैक होकर आए सारा रिकॉर्ड, तो इसको फिर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर स्मॉल फंक्शन के साथ। स्मॉल फंक्शन जो होता है वो डेटा स्ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। स्मॉल के साथ फिर इफ आ गया, और यहाँ पर जो स्मॉल एरे है ये हमने इफ कंडीशन जो अभी मैंने एक्सप्लेन करी कि जो नाम हम सिलेक्ट करेंगे उसके साथ जहाँ वो नाम मौजूद होगा ट्रैक करने से 1 1 लिखा हुआ आएगा। अब इसके साथ स्मॉल फंक्शन में ये के पूछ रहा है यानी मिनिमम वैल्यू, तो हमने इसके साथ अगेन रॉ नंबर लगाया और ब्रैकेट करा क्लोज और माइनस कर दिया यहाँ पर, माइनस कर दिया यहाँ 1, वही ऊपर वाली रो का -1, और यहाँ पर ये के स्मॉल हो गया, और फिर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब ये वाला फार्मूला स्मॉल क्या करेगा, जहाँ 1 वकास नंबर यहाँ आ रहा है 1 होगा, उसके बाद जो सेकंड वकास नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो यहाँ पे जब हम ट्रैक करेंगे तो 9 पे ये नाम है ये वाला सेल जो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, फिर उससे अगला जो वकास होगा वो तकरीबन 17 नंबर पे आएगा, अगर ऊपर से ब्लैंक छोड़ी हुई 18 है तो 17, तो जहाँ जहाँ यानी ये नाम मिलेगा उसके नंबर रिटर्न करेगा स्मॉल फंक्शन इसको ये फार्मूला। कंट्रोल शिफ्ट एंटर होगा एरे में अप्लाई, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे कर्ली ब्रैकेट में अप्लाई होगा ये, और इसको ट्रैक करेंगे तो अब जहाँ पर उसको मिलेगा वकास का नाम ये उसका नंबर इस तरह से देखिए रिटर्न करेगा, 17 पे वकास है, 26 पे वकास है, इस तरह से। अब इसी को फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ इस तरह, ठीक है जी, तो इसके लिए अब मुझे यहाँ पे करना होगा -2, इस रो को 1 और 2 दो हो गई, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ -2, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अब इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसी को अब मैं यहाँ से अगर F2 कर रहा हूँ, F2 जो एरे कंट्रोल शिफ्ट एंटर होता है फर्स्ट सेल में F2 अप्लाई करेंगे उसके लिए, और मैं यहाँ लगा दो इफ एरर में अभी जो ब्लैंक हो रहा है एरर हो रहा है ये हाइड हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और इसको ट्रैक करूंगा मैं, तो यहाँ पर ये वाला जो सेल आ रहा है इसको मैंने रो वाइज अब यहाँ आपको समझाने के लिए लगाया था, तो मैंने इसको रो और कॉलम वाइज फिक्स किया था, लेकिन अब इसको रो वाइज फिक्स करूंगा ताकि यहाँ से नीचे ड्रैग नहीं हो लेकिन आगे ड्रैग हो जाए कॉलम में, तो हम इसका कॉलम का डॉलर जो आ रहा है ये हटा देंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखें यहाँ से इफ एरर था तो इफ एरर से ये हाइड हो गया, अब ये इस नाम के नंबर रिटर्न कर रहा है कि इस कॉलम में इन नाम की कहाँ कहाँ एंट्री है, और फिर
इसके बाद हम आगे तक इसको राइट लेके जाएंगे। तो ये तमाम नाम अब क्योंकि हमने रो वाइज डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है तो ये इस तरह ट्रैक नहीं होगा लेकिन कॉलम वाइज आगे बढ़ेगा ट्रैक होगा। तो अब ये फिर यूसुफ की जिसने रॉ नंबर में एंट्री है वो उनके नंबर रिटर्न करेगा। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन फार्मूला डाउन ट्रैक करने के लिए और कंट्रोल शिफ्ट आर फार्मूला राइट ट्रैक करने के लिए। तो ये तो पोजिशन नंबर रिटर्न कर लिए इन अभी तक के जो इन फार्मूले से मैंने कैलकुलेशन समझाई है, और मैंने अलग अलग इसीलिए समझाया है ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ क्योंकि अक्सर इस तरह का मुझे के क्यूरी क्या है या किस तरह से अप्लाई किया ये समझाएं, तो वो मैंने इसलिए एक्सप्लेन करा अलग अलग करके। ठीक है, अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो समझने में तो आप फार्मूला दोबारा वीडियो देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हमने ये यूसुफ टू पर है, ठीक है, वन ये और यूसुफ टू, उसके बाद यूसुफ का अगला एंट्री रिकॉर्ड 10 पर है तो 11 रो नंबर में होना चाहिए, बिल्कुल सही। एक माइनस है ना ऊपर हेडिंग के बाद, तो यहाँ पर 11 10 यूसुफ का आ रहा है, फिर यूसुफ आ रहे हैं 19 तो 18 आ रहा होगा ये। ठीक है जी, बिल्कुल फार्मूला सही है। अब यहाँ तक जो हमने फार्मूला यूज किया है उसमें नंबर उन रिकॉर्ड्स का जो जो इस एम्प्लॉय की जहाँ एंट्री है वो रोड नंबर रिटर्न कर दिए उन्होंने, लेकिन डेटा स्ट्रैक हमें करना है और उनकी सेल्स के साथ करना है। तो अब हम इफ एरर के बाद यहाँ पर यूज करेंगे इंडेक्स स्मॉल की जगह हम लगाएंगे इंडेक्स फंक्शन, और जहाँ रॉ नंबर ब्रैकेट क्लोज हुआ है सेकेंड ये वाला वैल्यू इफ रॉ स्मॉल की जगह जो हमने रॉ फंक्शन यूज किया है इसका ब्रैकेट जहाँ क्लोज हो रहा है ये मिल जाएगा इसको एरे के बाद रॉ नंबर कॉमा से पहले, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ इंडेक्स और यहाँ पर इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। ठीक है जी, तो इंडेक्स की जगह पर अब हमें यहाँ सेल्स चाहिए, तो वो चीज आपको जो यहाँ पर स्ट्रैक में चाहिए रिकॉर्ड वो कॉलम आप सिलेक्ट करेंगे इंडेक्स ब्रैकेट ओपन में। और मैंने फिर बता दिया टेक्स और वैल्यू दोनों के लिए इम्प्लीमेंट होगा ये फार्मूला, अगर आपकी कोई वैल्यू है तो आप वैल्यू भी स्ट्राइक कर सकते हैं इस तरह, और अगर कोई टैक्स हो या एंट्री हुआ हुआ तो टैक्स भी स्ट्राइक हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटायर जो होगा वो आपको ये कॉलम सिलेक्ट करना है इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद F4 करेंगे कॉमा, उसके बाद स्मॉल फंक्शन काम करेगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, और फिर स्मॉल फंक्शन के बाद जहाँ इसका हमने ब्रैकेट क्लोज किया रॉ नंबर में तो यहाँ कॉलम नंबर का कोई मसला नहीं है, यहाँ पर इंडेक्स का ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा और ये हमारा FRR इस तरह से जो मैंने समझाया ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई होगा। एरे में यूज करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब आगे वैल्यू फर्स्ट वकास का रिकॉर्ड 3531 और फिर वकास का रिकॉर्ड है 3911 और फिर वकास का रिकॉर्ड है यहाँ पर 4779 और फिर वकास का रिकॉर्ड है यहाँ पर 1635। ठीक है जी, पूरा हो गया रिकॉर्ड ड्रॉन और राइट फिल ट्रैक। ठीक है जी, यहाँ पे आप इसको इस तरह से राइट और डाउन कर सकते हैं, फिर कंट्रोल डी फॉर डाउन और कंट्रोल आर फॉर राइट। ठीक है जी, पहले से मैंने ये ड्रैग हुआ हुआ था तो ये फार्मूला अगर ड्रैग करने में कोई इस तरह का एरर रिटर्न कर रहा हो तो इसका एक तरीका ये कर सकते हैं, यहाँ से इसको एडिट करें फर्स्ट सेल में, कंट्रोल सी कर लें कॉपी और कंट्रोल शिफ्ट इंटर, और फिर कंट्रोल शिफ्ट इंटर के बाद इसको पूरा सिलेक्ट करें डिलीट दबाएं और फिर यहाँ पे नया फार्मूला पेस्ट करके कंट्रोल शिफ्ट इंटर, और अब इसको आप राइट और डाउन ट्रैक कर लें कंट्रोल डी और कंट्रोल आर, तो इस तरह से ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, अगर फॉर्मूले में इस तरह का मैसेज आ रहा हो या एरर आ रहा हो जैसे ट्रैक करने में मेरा आ रहा था तो आप इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे वकास के रिकॉर्ड देख लें, जो जो वकास की सेल्स के रिकॉर्ड है वो यहाँ पर इस तरह नंबर्स के अंदर हमारे पास रिटर्न होकर आ रहा है। ये वन उसी का आ रहा है जो फर्स्ट हमने अलग से समझाने के लिए फार्मूला यूज किया था। तो कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझ के किस तरह से अप्लाई करना है वो मैंने आज की इस वीडियो के अंदर बताया, और टैक्स और वैल्यू दोनों में यूज हो सकता है। ठीक है जी, इस तरह से मैंने टैक्स के ऊपर भी इसी फॉर्मूले को यूज किया हुआ है, और जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया एक्सट्रैक्ट करने में किस तरह से इसको आप यूज कर सकते हैं वैल्यू और टैक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दी इस तरह से, और ये हमारी जो वैल्यू वाली है वो रिकॉर्ड है। तो दोनों रिकॉर्ड दोनों तरह से मेंटेन और अपडेट हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हेल्पफुल ना हो कहीं ना कहीं, अगर आप यूजर हैं एक्सेल और एडवांस एक्सेल के या जॉब ऐसी है तो आपके लाजमी इस तरह के काम सारे बहुत काम आएंगे जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो उसी तरह से आपके लाइक्स में कमी होती है तो लाइक्स भी भरपूर किया करें, जितनी हेल्पफुल होती है क्लास उस हिसाब से आपके लाइक्स भी होने चाहिए, दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पर इसको शेयर करें, कोई सजेशन कोई क्यूरी है तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे भी सब्सक्राइब के साथ साथ लाजमी क्लिक करें। शाह इस्लाम को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह।
हाफिज।